Hello, good morning students. Today in 11th class mathematics we are continuing with inequalities. Inequalities mein we are doing exercise 6.1. Exercise 6.1 le rahe hain aur isme we have completed up to question number 17. Aaj question number 18 se start kar rahe hain. Aaj ka pehla question. Aur ye 5x minus 3 माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना तो 5x माइनस 3x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस 5. ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस 3x 2x आ जाएगा. 2x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, माइनस 2, एंड एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1. तो ये इसका आंसर आएगा 18 क्वेश्चन का, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1. एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइन यू विल बी मार्किंग दिस नंबर लाइन 0 माइनस 1 माइनस 2 1 एंड 2. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस 1 से बड़े नंबर चाहिए, तो माइनस 1 से बड़े नंबर यहां से स्टार्ट होकर इसके राइट साइड पर, तो माइनस वन क्या इंक्लूडेड है, माइनस वन अगर इंक्लूडेड है तो इसके ऊपर एक डॉट डॉट लगा दिया. सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर ऑन द नंबर लाइन. है ना, बनाने का तरीका ये भी है कि आप इसको डार्क करते जाओ, लेकिन अभी हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इसको दो तीन बार किया, तो अभी हमने एक सेपरेट कलर से ये बता दिया कि माइनस वन से बड़े नंबर, और माइनस वन भी इंक्लूड हो रहा है, कैसे बताया, डॉट लगाकर, और अगर इंक्लूड नहीं होना तो एम्प्टी सर्कल लगाएंगे. है ना, और इंटरवल के टर्म्स में कैसा लिखेंगे, माइनस वन से कहां तक जाएगा बच्चों, ये अप टू इंफिनिटी. है ना, तो माइनस वन से लेकर इंफिनिटी का, तो यहां पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा क्योंकि माइनस वन इंक्लूडेड है, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए यहां पर ये ब्रैकेट आएगा. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, 3 into 1 minus x smaller than question number 19. 3 into 1 minus x smaller than 2 into x plus 4. 2 into x plus 4. अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 minus 3x smaller than 2x plus 8. ऐसा कुछ आएगा, और इसको कैसा लिखेंगे, माइनस 3x माइनस 2x स्मॉलर देन 8 माइनस 3. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 5x स्मॉलर देन 5. ऐसा कुछ आने वाला है, x माइनस 5x स्मॉलर देन 5. अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय माइनस 1. माइनस वन से डिवाइड करो तो इधर 5x आ जाएगा, माइनस वन से डिवाइड करेंगे और इधर माइनस 5 आएगा, और ये चूंकि माइनस साइन से डिवाइड करो इसलिए ये स्मॉलर जो है दैट विल बिकम ग्रेटर. ये अभी हम लोगों ने बोला है कि अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5/5 यानी x ग्रेटर देन माइनस 1. ऐसा कुछ आएगा आंसर. अब x ग्रेटर देन माइनस 1 हम इसी पे मार्क कर दें क्या, चलो अच्छा सेपरेटली ले रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा. माइनस 1 0 1 2. एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 चाहिए, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 ये आ गया अप टू इंफिनिटी. है ना, और माइनस 1 इंक्लूड नहीं होना इसलिए यहां पर एक एम्प्टी सर्कल. दिस इज हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड. और बुक में कैसा किया, इसी को शेड कर दिया, डार्क कर दिया, और इंटरवल के टर्म्स में माइनस वन से लेकर इंफिनिटी तक जाना है, और ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी क्योंकि ग्रेटर है, इक्वल साइन नहीं है, यहां पर इक्वल साइन नहीं है, तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट अभी हम लोग यूज करेंगे. है ना, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. अब देखो क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में ये 3 into 1 minus x है. ठीक, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो.
नेक्स्ट टर्न पर बच्चों एक ग्राफ कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, है ना। सो ग्राफ कॉपी विल बी रिक्वायर्ड, एंड आप रेगुलरली कोशिश करना कि आप साथ के साथ कॉपीज में भी करते जाएं, है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में x बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5, ऐसा कुछ है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखना अच्छे से। अब x बाय 2 है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर ये 15 आएगा और यहां पर ये 25x माइनस 10 माइनस 21x एलसीएम अगर लेंगे एंड प्लस 9, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू ये आ जाएगा 4x, ये 4x आएगा और माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x माइनस 2, यानी कि 15x माइनस 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, ऐसा कुछ आ रही। तो 7x की वैल्यू 7x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7। अब माइनस 2/7 कैसा नंबर है बच्चों, ये कैसा आएगा माइनस 2/7 विल बी 0.72 14 6 7 8, तो 0.28 करके कुछ आएगा, है ना, नेगेटिव में। तो 0 ये माइनस 1 और ये यहां कहीं पर, अब हम लोग कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी माइनस 2/7 से बड़े नंबर्स, तो माइनस 2/7 से बड़े नंबर्स आपको चाहिए आंसर में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7 अगर आप प्लॉट करोगे तो कहां पर आएगा, इसके राइट साइड में, और इक्वल साइन लगा हुआ है इसलिए यहां पर एक डार्क डॉट लगा दिया, एंड ये अप टू इंफिनिटी है, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2/7 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। माइनस 2/7 में इक्वल साइन लगा हुआ है इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर ये। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो बच्चों क्वेश्चंस का जो टाइप है वो थोड़ा सा अब चेंज होगा। अब क्वेश्चन का टाइप कैसे चेंज हुआ देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़कर देखो। देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन इन द प्रॉब्लम, है ना। अब ये पहली बार आपको एक ऐसा प्रॉब्लम मिला है जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का प्रॉब्लम है। रवि ऑब्टेंड 72-75 मार्क्स एक मिनट। ये बुक बंद हो गई बच्चों, एक मिनट बस। रवि ऑब्टेंड 70 and 75 मार्क्स, इसमें इन्होंने दिया रवि ऑब्टेंड 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट सो एज टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60, है ना। अब देखो इसको दो टेस्ट में 70 and 75 मार्क्स मिले, इसको दो टेस्ट में 70 and 75। दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन। मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स 70 and 75, ऐसा कुछ दिया है ना।
एंड ये जो स्टूडेंट है बड़ा मतलब सेटिस्फाइड है मार्क्स से, है ना, उसने कहा 70 और 75 आ गए, अब थर्ड सब्जेक्ट में कितना स्कोर करे, थर्ड सब्जेक्ट में कितना स्कोर करे नहीं पता, तो इसको एक्स लिख दिया। और इसने क्या बोला कि तीनों का एवरेज, एवरेज मार्क्स 70, एवरेज मार्क्स के बारे में इन्होंने प्रॉब्लम में दिया हुआ दैट द एवरेज मार्क्स शुड बी एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60, मतलब 60 से ज्यादा हो सकता है। इसने बोला एवरेज मार्क्स बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आना चाहिए। अब देखो पहले दोनों सब्जेक्ट्स में 70 और 75 आ गए, है ना, अब इसको टारगेट करना चाहिए कि अभी हमें 80 लाना है, लेकिन ये स्टूडेंट कैसा है, ये कह रहा भैया हमें तो 60% लाना है, हम 70 और 75 पहले में ले आए हैं, पहले दोनों में। सो ये स्कोर्ड 70 एंड 75, तो एवरेज कितना आएगा 70, दूसरे में 75, तीसरे में एक्स, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो एवरेज मिल जाएगा, बस खत्म हो गया। अब इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ले लो। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि एवरेज मार्क्स जो है 60 रहने चाहिए, 60 से ज्यादा, एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60 होना चाहिए। अब देखो इसका टोटल कितना आएगा बच्चों, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स, बच्चों इसको कितना स्कोर करना चाहिए, 35 या 35 से ज्यादा स्कोर करेगा तो 60 से ज्यादा आएगा, तो मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम ही हैज टू स्कोर 35 मार्क्स इन द थर्ड सब्जेक्ट, 35 आ जाएंगे तो उसके 60% आ जाएंगे। तो आंसर चेक करते जाना बच्चों, इसका आंसर यही आएगा। अब देखो टू रिसीव, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों, ये अभी हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन ऐसे कैलकुलेशंस हम लोगों को नहीं करने, क्योंकि ये बच्चा कैसा था, ये स्कोर्ड 70 एंड 75 एंड हिज एम इज 70 और 75 आने के बाद उसका एम क्या कि हमें 60 लाना है मिनिमम, है ना, तो 60 लाने के लिए उसको थर्ड में कितना होने का, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी 35 मार्क्स अकेले लाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा बच्चा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो इसमें क्या दिया, एवरेज मार्क्स बच्चों, एवरेज मार्क्स ग्रेड ए लाने के लिए, ये तो अपन लोगों को भी मालूम है, एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये तो बिल्कुल क्लियर है, और इसको चार सब्जेक्ट्स में, ये सुनीता, ये देखो ये लड़की है तो ये ज्यादा स्कोर करने की इच्छा रखती है ना, ये लड़कों को इन्होंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही बताया कि उसने कहा हमें 60 लाना है, ये लड़की है देखो इसमें, है ना, बेटियां कह रही है ज्यादा चाहिए, टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स ए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, है ना, एवरेज मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए, एवरेज मार्क्स या तो 90 इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 90। अब इसके चार सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं, 87, फिर 92, 94, 92, 94 एंड 95, और पांचवा वाला सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं मालूम, सपोज ये एक्स है। अब देख लो ये फिफ्थ सब्जेक्ट मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट, है ना, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों इसमें, तो ये कैसा लिखेंगे इसको, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5, ये सारे जो मार्क्स हैं उनका एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। पांच सब्जेक्ट्स का एवरेज अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 5,
तो ये कितना आ जाएगा, आप इनको ऐड कर सकते हो, कितना मिलेगा ये बच्चों, ये 87.92 94 95, 7 और 2 9, 9 and 4 13, 13 and 5 18, 1 है ना, 9 9 4 36, तो ये 368 आ जाएगा बच्चों, तो ये 368 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है ना, तो कितना आ जाएगा 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368 है ना, तो ये कितना आएगा 32 और 50 यानी कि 82, तो एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 82। अब इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता शुड ऑब्टेन इन द क्विज, सो मिनिमम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 मतलब 82 या 82 से ज्यादा, तो मिनिमम कितना है, मिनिमम मार्क्स विल बी 82, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखना, क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस का जो टाइप है अब और थोड़ा सा चेंज हुआ, अब ये मार्क्स वाले थे कुछ क्वेश्चंस, अब देखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 23 में ऑड पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार इंटीजर्स बताने हैं। अब इसमें बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, अब बच्चों दो अगर लगातार ऑड नंबर्स अगर चाहिए हैं, अगर दो लगातार ऑड नंबर्स अगर आपको चाहिए, एक ऑड नंबर अगर 11 है तो अगला नंबर कैसे मिलेगा आपको, 13 करके मिलेगा, 11 and 13, मतलब यू कैन सिलेक्ट एक्स एंड एक्स प्लस टू आर टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर्स अगर आपको चाहिए तो एक्स और एक्स प्लस टू। अब इसके बारे में क्या बोला है बच्चों, ध्यान से सुनना, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, इसमें इन्होंने बोला x स्मॉलर देन 10 चाहिए, ये पहला नंबर स्मॉलर देन 10 एंड x प्लस टू ऑल्सो स्मॉलर देन 10, x जो है ये जो दो ऑड नंबर्स हैं ये एक ऑड नंबर है और ये दूसरा ऑड नंबर है, अच्छे सुनना अच्छे समझना भी, इसमें ये स्मॉलर देन 10 चाहिए, ये भी स्मॉलर देन 10 चाहिए, बोथ ऑफ दीज ऑड नंबर शुड बी स्मॉलर देन 10, तो x स्मॉलर देन 10 आया, x स्मॉलर देन 8 आ गया। अब सोचकर देखो, x स्मॉलर देन 10 और x स्मॉलर देन 8, मतलब इन दोनों का आंसर कंबाइंड आंसर क्या होगा, सोचकर देखो, हमें 8 से भी छोटे चाहिए और 10 से भी छोटे चाहिए, तो अभी हम लोग बोलेंगे इनका कंबाइंड आंसर अगर आपको बताना है तो कुछ बता सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं x स्मॉलर देन 8 ले लो, क्यों, क्योंकि जो भी 8 से छोटा नंबर रहेगा वो 10 से तो अपने आप छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि x स्मॉलर देन 10 चाहिए और x स्मॉलर देन 8 है ना, तो अब इसमें बहुत थोड़ा सा सोचना भर पड़ेगा कि अगर आपको इन दोनों को कंबाइन करके एक आंसर बताना है, x स्मॉलर देन 10 x स्मॉलर देन 8, हमें वी रिक्वायर नंबर स्मॉलर देन 10
and we also require smaller than 8, then you can select x smaller than 8, because all those numbers which are smaller than 8 will automatically be smaller than 10. Those numbers which are selecting smaller than 8 will be smaller than 10 also. So this is the combined answer. तो इसमें याद रखना, दो inequalities अगर हैं, just as a trick, दो inequalities हैं, दोनों में smaller लगा हुआ है, तो इनका combined answer छोटा वाला number होता है. और अगर greater हो, 8 से भी बड़ा चाहिए, 10 से भी बड़ा चाहिए, तो बड़ा वाला जो रहेगा वो आंसर आएगा, है ना. वो अभी नहीं है, हम लोग बोलेंगे इसका कंबाइन आंसर एक स्मॉलर देन. फिर इसके बाद क्या बोला है, देखो आगे इसमें इन्होंने बोला है सम इज मोर देन 11. तो बच्चों दोनों नंबर्स का सम ग्रेटर देन 11 चाहिए. सम ग्रेटर देन 11 मतलब एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 11, मतलब 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 9, इसको इधर ले जाएं, x ग्रेटर देन 4.5, x ग्रेटर देन 9/2 यानी x ग्रेटर देन 4.5, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी और 8 से छोटी, तो कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं 4.5 से बड़े. ये देखो इसको कंबाइन करके लिखने का तरीका भी आना चाहिए, 4.5 से बड़ा 8 से छोटा, ऐसा लिख सकते हैं. अब नंबर्स बता सकते हो क्या 4.5 और 8 के बीच में, 4.5 और 8 के बीच में नंबर्स कौन से आएंगे. इंटीजर्स चाहिए, ये याद रखना, इंटीजर्स यानी पूरे पूरे नंबर्स, फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए. एक्स की वैल्यू 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, लेकिन 6 लेना नहीं है. क्यों नहीं लेना, क्योंकि ओनली ऑड नंबर्स, दिस इज व्हाट इवन नंबर, देयरफॉर नॉट टू बी सिलेक्टेड. x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, है ना. अगर x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू अगर 5 है, तो ये 5 और 5 प्लस 2, 5 और 5 प्लस 2 ये आंसर आएगा, मतलब 5, 7 एक आंसर. और ये 7 अगर ले लिया तो 7 और 7 प्लस 2, 7 और 7 प्लस 2 यानी 7, 9. अब आंसर निकालने के बाद आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ो. इन्होंने बोला दो ऑड नंबर्स बताने, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स 5 और 7 आ गए, दोनों 10 से कम होने चाहिए, बोथ ऑफ दीज आर स्मॉलर देन 10, एंड दी एडिशन एडिशन इज ग्रेटर देन 11. तो 5 प्लस 7 ग्रेटर देन 11, 7 प्लस 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 11, तो सबको सेटिस्फाई हो रहा है. सो दीज आर द टू आंसर्स, तो 5, 7 एंड 7, 9 ये इसका आंसर आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये भी बिल्कुल वैसे ही है. Find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5. अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, even positive consecutive integers, both of which are larger than 5. अब बच्चों even numbers भी ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो. even number एक 10 अगर है तो अगला इवन नंबर 12 आएगा, मतलब x एंड x प्लस 2 आर टू पॉजिटिव इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स दो लगातार अगर लेने तो वो भी ऐसे ही ले सकते हो. अब देखो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ये तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, इसमें इन्होंने बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. बच्चों x ग्रेटर देन 5 चाहिए, ये भी 5 से बड़ा चाहिए और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा चाहिए. तो कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 5 आएगा, x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा. अब अच्छे सुनना, 3 से बड़े नंबर्स और 5 से बड़े नंबर्स कंबाइन करें तो क्या होगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या, कि इफ दीज टू आर टू बी कंबाइंड, क्योंकि दो कंडीशन है, x ग्रेटर देन 5 चाहिए और x ग्रेटर देन 3, तो अब इसमें क्या बोल सकते हो, इसमें जो बड़ा वाला नंबर है वो आंसर आएगा. क्यों,
जो भी नंबर्स 5 से बड़े होंगे, ऑल दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 3, ऑल दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5 विल बी ग्रेटर देन 3 आल्सो। अब इसको नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, क्या तरीका है, 1 2 3 4 5, 3 से बड़े नंबर्स मार्क कर लो, मार्क कर लिए, 5 से बड़े नंबर्स मार्क कर लो, मार्क कर लिए, जहां पर ये डबल लाइन आ जाए वो आंसर। डबल लाइन कहां पर आ रही है, 5 से बड़े नंबर्स और 3 से बड़े नंबर्स मार्क किए थे, कहां पर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, 5 से बड़े। ऐसा भी तरीका नहीं तो सीधा सोचकर भी बता सकते, नंबर लाइन की जरूरत नहीं है। फिर अब इसके बाद क्या बोला, सम इज लेस देन 23, सम इज लेस देन 23, सम कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स प्लस टू स्मॉलर देन 23, 2x smaller than 21, इसको इधर ले गए, x smaller than 21 by 2, x smaller than 10.5। अब आंसर क्या आ गया, x greater than 5 है, देखो कंबाइन करके लिखें, x 5 से बड़ा चाहिए और smaller than 10.5, x 5 से बड़ा 10.5 से छोटा, हमने इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड आंसर। अब मतलब x किस किस के बीच में आएगा, 5 और 10 के बीच में, x की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी बच्चों, 5 और 10 के बीच में, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 6 7 8 9 ऐसा कुछ आएगा, और 10 भी आएगा क्या, तो यस 10 भी ले सकते हैं। अब इसमें सोचकर देखना थोड़ा सा, क्या सोचना है कि ये इवन नंबर चाहिए तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब एक्स का आंसर क्या आएगा, 6 8 और 10, एक्स की वैल्यू 6 आएगा, यहां पर लिख रहे हैं देखो, एक्स की वैल्यू 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है। अगर x की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस 2, अगर x की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस 2, और x की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 2, तो आंसर्स क्या आ जाएंगे, 6, 8 8, 10 और 10, 12, तो ये आंसर्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अब देखो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। बहुत सारी चीजें दी हैं, चलो लिख लेते हैं, लिखने से सब कुछ आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो लिखना शुरू करो, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, ऐसा दिया है, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, ऐसा कुछ दिया है। फिर उसके बाद एंड द थर्ड साइड, क्योंकि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की तो बात कर ली, थर्ड साइड इज हाउ मच, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड से कितने सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, 2 सेंटीमीटर, बस ये कंडीशंस लिखनी है, ये कंडीशंस एक बार लिख लोगे तो सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब देखो इसमें 3 साइड्स की बात कर रहे हैं और पेरीमीटर
पेरिमीटर एटलीस्ट 61। एटलीस्ट 61 का मतलब क्या है? पेरिमीटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ये अभी हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, ये अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम लिख लिया है, हम लोगों ने सिर्फ अभी प्रॉब्लम भर कॉपी किया है। अब देखो, अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें साइड्स अज्यूम कर लो, साइड्स शॉर्टेस्ट को आप एक्स ले लो, है ना, शॉर्टेस्ट को आपने एक्स ले लिया तो लॉन्गेस्ट कितना आ जाएगा, लॉन्गेस्ट विल बी 3x। शॉर्टेस्ट को अगर आपने एक्स ले लिया तो लॉन्गेस्ट 3x आ जाएगा, और थर्ड साइड कितना आ जाएगा, लॉन्गेस्ट माइनस 2 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट कितना है 3x माइनस 2। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम में पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखना, लॉन्गेस्ट को हम पूरी चीजें फिर से बता दे रहे हैं, देखना जो प्रॉब्लम में इन्होंने दिया हुआ है, प्रॉब्लम में क्या दिया है, दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, पहली चीज। दूसरी चीज ये दिया है कि द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब हम लोगों ने स्टार्ट किया किससे, शॉर्टेस्ट को एक्स ले लिया, इसको एक्स लिखा तो लॉन्गेस्ट मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट 3x आ जाएगा। थर्ड साइड कैसे मिलेगा, लॉन्गेस्ट में से 2 कम कर दो, लॉन्गेस्ट कितना है 3x, तो 3x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पेरिमीटर मतलब तीनों को ऐड करना है, एक x है, दूसरा 3x है, और तीसरा वाला 3x माइनस 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो ये कितना आ जाएगा, 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर किया तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट इज ग्रेटर देन, द शॉर्टेस्ट साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, मतलब मिनिमम मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड विल बी 9 centimeter, क्योंकि 9 centimeter ये आपसे बड़ा हो सकता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ मैन वांट्स टू कट 3 lengths ऑफ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें एक लेंथ दी हुई है बच्चों 91 सेंटीमीटर की, ये 91 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter longer than the shortest. अब इसमें इन्होंने बोला the second length is what, लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, 3 centimeter longer than the shortest, मतलब शॉर्टेस्ट से 3 centimeter बड़ा है, ऐसा इन्होंने बोला सेकंड वाली लेंथ। फिर उसके बाद क्या बोला, थर्ड लेंथ इज टू बी 2x, और उसके बाद क्या दिया है, द थर्ड लेंथ इज टू बी 2x, थर्ड वाली जो लेंथ है दिस इज टू बी 2x द शॉर्टेस्ट, ऐसा कुछ दिया है। अब इसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, वॉट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड
इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, द थर्ड पीस इज टू बी, थर्ड पीस इज टू बी, थर्ड पीस इन्होंने क्या बोला है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ऐसा दिया है ना, मिनिमम बोला बच्चों, मिनिमम मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा कुछ हो सकता है ना? थर्ड वाला जो पीस है उसमें थर्ड पीस जो है वो सेकंड पीस से बड़ा रहना है, कितना बड़ा रहना है, इन्होंने बोला कम से कम 5 सेंटीमीटर, थर्ड वाला जो पीस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द सेकंड पीस, थर्ड पीस शुड बी ग्रेटर देन द सेकंड पीस बाय मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऐसा बोला। अब देखो बच्चों क्या करें, शॉर्टेस्ट को अभी आप एक्स ले लो, शॉर्टेस्ट को आपने एक्स ले लिया तो सेकंड वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 3 प्लस एक्स, और थर्ड वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 2x। अब क्या करें, थर्ड पीस कितना है, थर्ड पीस 2x है, माइनस सेकंड पीस कितना है, सेकंड पीस 3 प्लस एक्स है, ग्रेटर देन और इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 5, मतलब ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस एक्स को आपने x लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, पहली चीज तो ये आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें अब ये जो बोर्ड अभी आप कट कर रहे हो वो कहां से कट कर रहे हो, एक 91 सेंटीमीटर, ये तीनों लेंथ मिलाकर बच्चों x प्लस ये पहली वाली लेंथ, दूसरी वाली लेंथ 3 प्लस एक्स और तीसरी वाली लेंथ 2x, ये तीनों मिलाकर किससे कम रहना चाहिए, 91 से कम रहना चाहिए, दिस शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 91, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये x प्लस एक्स 2x प्लस 2x 4x, 4x स्मॉलर देन और इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 88, x smaller than or equal to 22, है ना? तो क्या कह सकते हैं आंसर में कि x की वैल्यू बच्चों कैसी रहनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 से बड़ा लेकिन कैसा 22 से छोटा, तो ये इसका आंसर होगा। तो आंसर चेक कर लेना बच्चों, इसका आंसर कैसा आया है, 8 सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा और 22 सेंटीमीटर से छोटा, एंड दिस इज द आंसर। तो दिस फिनिशेस द फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट टर्न पर बच्चों अभी हम लोग अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड ग्राफ्स विल बी रिक्वायर्ड, सो इन द नेक्स्ट क्लास सिट अलोंग विद अ ग्राफ कॉपी एंड अ स्केल एंड अ पेंसिल, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ वंडरफुल डे।